दोस्तों मध्य प्रदेश में हालांकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मतलब आप 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से लगा सकते हो। अभी 2023 में मध्य प्रदेश में टोटल एमपी में 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडमिशंस लेती हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग काउंसिल्स का अप्रूवल लेकर, अलग अलग अप्रूवल्स के साथ। यूनिवर्सिटी कोई भी जो चलती है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो बनती है, उसे यूजीसी का अप्रूवल लेना होता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी की लिस्ट पर अपडेट है, मतलब यूजीसी पर लिस्टेड है, तो यूनिवर्सिटी मान्य है। उसके बाद वो बहुत सारे अलग अलग तरह से काउंसिल्स के अप्रूवल लेती है, तभी यूनिवर्सिटी अलग अलग तरह कोर्सेज करा पाती है। यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को भाभा यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में चलती है, यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों भाभा यूनिवर्सिटी भी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह ही एक यूनिवर्सिटी है, जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में चलती हैं। टोटल कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है हिंदुस्तान में? दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। तो ये थी टोटल हमारी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने जो आपको बताया। भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी पहले तो कहां पर स्थित है, आप इसको जान लीजिए। जो भाभा यूनिवर्सिटी है दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है यूनिवर्सिटी, होशंगाबाद रोड पड़ता है, वहां पर यूनिवर्सिटी ये है। ये दोस्तों यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटीज को जब कोई भी मान्यता मिलती है, जब यूजीसी पर लिस्ट होती है कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी सभी तरह के यूजी पीजी प्रोग्राम्स, साथ में डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ऐसे सभी कोर्सेज को चलाने के लिए मान्य हो जाती है। बट उनके अलावा कोई भी कोर्सेज अगर यूनिवर्सिटी को चलाने हैं, तो उसके लिए उस यूनिवर्सिटी को कंसर्न काउंसिल का अप्रूवल लेना होता है। अब इस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले आप चेक कैसे करेंगे, मतलब इस यूनिवर्सिटी को, भाभा यूनिवर्सिटी को आप चेक कैसे करेंगे कब यूनिवर्सिटी बनी है? तो पहले दोस्तों आप यूजीसी पर जाइए, यूजीसी पर सारी डिटेल आपको इस यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। दोस्तों मैं नहीं बोलता इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले या ना ले, पर मैं आपको बताऊं, मैं वही बातें बता रहा हूं जो यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं, जो कोर्सेज हैं, जो सब चीजें अपडेट हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले अपने विवेक से काम लें, यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह से पड़ताल करें, तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ऐसे ही किसी की बातों में आके आप एडमिशन मत लेना। आप क्या टाइप करेंगे, www.ugc.ac.in। ये सब टाइप करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने खुलता है, उस इंटरफेस पर आप देखोगे ऊपर यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटीज में आप जब जाते हो वहां पर, तो यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप क्लिक करेंगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वहां पर सभी स्टेट्स के नाम यहां पर मेंशन हो जाते हैं, सभी स्टेट के नाम आ जाते हैं। दूसरी लाइन में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, सभी के नाम यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं। टोटल 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, जो यूजीसी बताता है। यूजीसी के अनुसार ही, यूजीसी की जो वेबसाइट पर आप जब चेक करते हैं, तो यहाँ 4th नंबर पर भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स मेंशन है। यूनिवर्सिटी बनी है 2018 में, 11 जनवरी 2018 की यहाँ पर डिटेल मेंशन है यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी के बारे में और भी ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर मोर डिटेल्स पे आप दोस्तों क्लिक कर दो। मोर डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स है, मतलब यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वीसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। पर मतलब इसका ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं, यूनिवर्सिटी तो है, पर यहाँ पर वो डिटेल्स मेंशन नहीं है जो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, भाभा यूनिवर्सिटी .edu.in।
अगला वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर लेकर आए, किस कोर्स पर लेकर आए, हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, अपने दोस्तों परिजन परिवार में हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। और साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।